आंखों में ले रहे ये अंकल ले रहे हैं मजे खूब। वेलकम टू चमोली। यार ये किला यही होता है, इसी को किला बोलते हैं। अच्छा, विष्णु मंदिर जिसके कपाट अभी बंद है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कलचुंडा गांव। तो अभी हम लोग गढ़वाल में हैं और यहाँ हम लोग रुके थे। ये जो आप लोग घर देख रहे हैं, अंदर से पूरा का पूरा मिट्टी का है, बहुत शानदार घर है। और यहाँ एकदम होम स्टे वाली फीलिंग आई, गांव वाली। और मेरे साथ अभी है मेरे चचा और छोटा भाई कार्तिक। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। तो अभी 8 बजे हैं और अभी हम लोगों ने गैंड सेट जाना है पहले, उसके बाद फिर उससे आगे का मैं आप लोगों को वहीं पहुंच के बताऊंगा। तो ठीक है, फिर करते हैं शुरू। तो दोस्तों 11:30 हो रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसैंण। तो ये है गैंडसैंण, आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ से कर्णप्रयाग है 48 किलोमीटर दूर और वो इस रास्ते में पड़ेगा आप लोगों का कर्णप्रयाग। और जो हम लोग आए थे, हमारा रास्ता था ये। और यहाँ अभी बीच में हरीश रावत भी आए थे, बोल रहे थे कि अभी धरना देंगे करके, जो भी है। तो अभी हम लोग गैंडसैंण पहुंच चुके हैं। अब यहाँ हल्का सा कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कर्णप्रयाग निकल लेंगे। और 48 किलोमीटर दूर वहाँ जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों थोड़ा सा रुके हम लोग, सामने के पहाड़ में आप लोग देख सकते हैं खूब बर्फबारी हुई है। और थोड़ा सा अब यहाँ तो बर्फ गल गई है, बट यहाँ पे फिर भी आप लोगों को दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट करके। दिखाओ जरा कुछ एक्सपेरिमेंट। हल्की सी रास्ते में जमी हुई है बर्फ, ज़्यादा तो है नहीं। हेलो गाइस, चाय पी लो। तो यार ये इतने ज़्यादा यहाँ पर को इतनी यहाँ तक पड़ी होगी क्या बर्फ? बहुत ज़्यादा पड़ी होगी, इतना अभी इकट्ठा करके फेंकी है फ्रीजर वालों ने। हेलो गाइस, दोस्तों एक बहुत शानदार लोकेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। एक गवर्नमेंट राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बहुत शानदार। देखो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं और पूरे पहाड़ का जो व्यू है वो देखते ही बनता है। तो दोस्तों अभी हम लोग कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर पीछे हैं। तो यहाँ पर को हम लोग एक रूट में आए हैं, ये जो ये रास्ता आप लोग देख रहे हैं, इधर से आप लोग अगर देखेंगे तो ये एक ब्रिज जा रहा है, ये यहाँ से पौड़ी को जाता है। और ये जो रास्ता जाता है, ये रास्ता जाता है कर्णप्रयाग को। और आदिबद्री का जो रास्ता है वो भी यही है। यहाँ से जो आदिबद्री है 1 किलोमीटर दूर है, बाकी यहाँ से अब जो पौड़ी है, पौड़ी की डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। और कर्णप्रयाग मैंने आप लोगों को बता दिया जिस रूट में हम लोग जाएंगे 21 किलोमीटर है। और पौड़ी वाले रास्ते में ही नौटी नाम की जगह भी पड़ती है। और जहाँ हम लोग खड़े हैं यहीं से चांदपुर गढ़ी को भी एक रास्ता जाता है। बाकी एक शानदार सा ब्रिज आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं आदिबद्री में। ये गैंडसैंण और कर्णप्रयाग के बीच में पड़ता है। इसकी डिस्टेंस गैंडसैंण से कर्णप्रयाग की तरफ को 21 किलोमीटर दूर है। तो बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, तो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। विष्णु मंदिर जिसके कपाट अभी बंद है, यही मेन मंदिर है। और इसके कपाट 14 जनवरी को खुलेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आदिबद्री से 2 किलोमीटर आगे कर्णप्रयाग की तरफ को आए। तो हमें यहाँ पर को मिला है चांदपुर गढ़ी। तो हम लोग अभी चांदपुर गढ़ी जाने वाले हैं। एक फोर्ट है और ये फोर्ट किस चीज़ का बोला था? पवार शासकों का पहले वंश, क्या नाम था इनका? कनकपाल का फोर्ट है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बहुत शानदार फोर्ट है। गले में पता नहीं कुछ फंस गया शायद। हाँ तो चलते हैं फिर, देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे बाड़ासुर वाला
किले वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये सेम वही नज़ारा दिख रहा है, बस ये है कि अब ये गढ़वाल है और इससे पहले था वो कुमाऊँ। बाकी देखिए आप लोग, अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है, ज़्यादा तो नहीं मतलब कुछ हद तक कह सकते हैं, 100 मीटर ही है वैसे तो लग नहीं रहा, लेकिन 100 से ज़्यादा ही लग रहा है क्यों। ठीक है, सांस फूलने लगी फिर दोबारा से। सेम यही किला है ये। बाड़ासुर की तरह यहाँ पर को भी किले दिख रहे हैं। यार ये किला यही होता है, इसी को किला बोलते हैं। अच्छा, ये तो बाड़ासुर में भी था फिर। अच्छा देखते हैं, नहीं नहीं फर्स्ट टाइम। टूट गया या फिर है ही ऐसा? टूट गया। अच्छा, किला जैसा तो लग ही नहीं रहा ना, फोर्ट जैसा हो सकता है क्या ऊपर हो, चल के देखते हैं। चांदपुर गढ़ी, ये एक कुआं भी है दोस्तों, क्योंकि अभी इतना बड़ा फोर्ट है तो पानी स्टोर करने के लिए। बावड़ी है, बावड़ी बोलते हैं, बावड़ी पूछ यहीं से तो नहीं आया वर्ड। राजस्थान में बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते। बावड़ी मतलब कुआं, राजस्थान में बोलते हैं। राजस्थान में, राजस्थान में। दोस्तों आप लोगों के देखो उत्तराखंड भी तैयार कर रहे हैं हम लोग तो देख के तैयार कर रहे हैं, आप लोग वीडियो में देख के तैयार करो और आइए कभी। अरे बाप रे, गजब फोर्ट है ये तो। भीड़ भी बहुत लग रही है, पब्लिक मतलब यहाँ भी बहुत ज़्यादा आई है। ये बाड़ासुर से तो अलग ही है क्यों? हाँ, तो यहाँ पे भी एक शानदार सा मंदिर है, लेकिन जूते उतारने पड़ेंगे लगता है। तो अभी हम लोग कनकपाल राजा के फोर्ट में आए हुए हैं। तो ये जो कनकपाल राजा हैं, ये गढ़वाल में जब आए तो मालवा से गढ़वाल में आए थे, और मालवा से इन्होंने गढ़वाल में आके गढ़वाल में शासन किया पूरे के पूरे गढ़वाल में। और इन्होंने कहा जाता है कि गढ़वाल के अंदर जितने भी 52 के 52 फोर्ट थे, सारे के सारे 52 के 52 फोर्टों में उन्होंने अपना कब्जा किया कह सकते हैं। तो इस वजह से ये पूरी चांदपुर गढ़ी की कहानी थी। बाकी इसके ऐतिहासिक साक्ष्य जो हैं अभी भी उतने मिले नहीं हैं। बाकी मैं अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो बताता हूँ, एज वेल एज मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये एक मंदिर भी है यहाँ पे, और आपको बाहर से दिखाता हूँ। इसकी दीवारें भी देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों 3 बज गए और हम लोग कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं, और यहां से अब हम लोग लंच करने के बाद 86 किलोमीटर दूर, 82 से 85 के आसपास है, जोशीमठ जाएंगे हम लोग। तो पहले लंच कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था हमने 7 बजे के आसपास, उसके बाद कुछ किया नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने नॉन स्टॉप सफ़र किया, बीच बीच में रुक के आए थे, आप लोगों को दिखाई दिया था। तो सामने मेरे ब्रिज है, इस ब्रिज से होते हुए हम लोग जोशीमठ की तरफ जाएंगे। तो पहले लंच करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं लंच की टेबल पर। ये है हमारा चिली पनीर, कढ़ाई पनीर, और ये हमारी रोटी, और बाकी बस इंजॉय कर रहे हैं, खा के मिलता है आप लोगों से।
दोस्तों, हम लोग अभी जो जिस ब्रिज में खड़े हैं, यहाँ पर को दो नदियों का संगम होता है। एक है पहली नदी पिंडर और दूसरी नदी है अलकनंदा, और वो मिलने के बाद अलकनंदा नदी बन जाती है। तो मैं आप लोगों को, ये जो ब्रिज है आप लोग देख सकते हैं, जो ये नदी है मेरे फ्रंट में, ये नदी जो सामने को जा रही है ये है पिंडर, और इधर से आने वाली नदी है अलकनंदा, और दोनों मिलके अलकनंदा नदी बना देते हैं। तो ये है कर्णप्रयाग की खूबसूरती। ऊपर आप लोग देख सकते हैं एकदम धूप आ रही है। तो अभी हम लोग जाम में फंसे हैं, और यहाँ से चमोली 25 किलोमीटर दूर है। तो अभी 5-10 मिनट का जाम और है, तब तक यहाँ पर को आराम से बैठ के हम लोग आग का मजा ले रहे हैं। आग का मजा ले रहे हैं, ये अंकल ले रहे हैं मजे खूब। तो अंकल क्या करें, अंकल लोगों ने आग जलाई है हमारे लिए मस्त एकदम। वेलकम टू चमोली। दोस्तों अभी हम लोग चमोली पहुंच चुके हैं, अब हम लोग जोशीमठ के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग रुक नहीं रहे, तो मैं गाड़ी से ही वीडियो बना रहा हूं। चलते हैं जोशीमठ की तरफ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पीपल कोटी। तो आज हमारा डे 3 है, और आज है 29 दिसंबर 2019। तो आज हम लोगों का प्लान है यहाँ से जोशीमठ जाना 35 किलोमीटर दूर, फिर जोशीमठ से 12 किलोमीटर के आसपास है हमारा ओली। तो हम लोग आज ही जाएंगे वहाँ पर। को जाने के दो तरीके हैं, या तो आप रोपवे का यूज़ करेंगे, या एक चेयर कार है उसका यूज़ करेंगे 7 किलोमीटर। आने जाने का जो उसका टिकट है 700 है आई थिंक, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कल हम लोग लेट पहुँचे थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सो गए थे। तो इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और आज का जो नेक्स्ट ट्रिप है हम वो अगली वीडियो में शुरू करेंगे, जोशीमठ टू ओली। ठीक है, फिर धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ कि जिस रूम में हम रुके थे। देखो एक्चुअल में क्या था, हम लोग जोशीमठ भी जा सकते थे, लेकिन था क्या कि वहाँ पर कोई रूम अवेलेबल नहीं थे। आप लोग भी कभी आते हो तो आप लोग 35 किलोमीटर पीछे अगर रुक सकते हैं तो आप लोगों को यहाँ बहुत सस्ते रूम मिल जाएंगे, और जोशीमठ में यही रूम की कॉस्ट आप लोगों को 5000 रुपीज़ मिलेगी। उसके अलावा रूम मिले ना मिले ये भी बड़ी दिक्कत है। तो आप लोगों को मैं रूम दिखाता हूँ, और आप लोग 800 रुपीज़ का ये रूम हमें पड़ा था। वह गीज़र नहीं था, गीज़र हम दो रूम लिए थे हम लोगों ने, तो एडजस्ट कर लिया था हम लोगों ने। तो आप लोगों को रूम दिखाता हूँ, बड़ा बेकार रहता है तो रूम तो ऐसा ही अस्त व्यस्त है, बट 800 रुपीज़ में बेस्ट रूम मेरे को दिखाए। तो यहाँ पे आप लोगों को कबर्ड मिल जाएगा, उधर वॉशरूम है, बाकी ये रूम है। ठीक है, रूम ज़्यादा कुछ बुरा रूम भी नहीं है, बट बढ़िया है सोने के लिए, हमें बेड ही तो चाहिए। बट 800 रुपीज़ में जिस हिसाब से मिला है रूम, बहुत अच्छा रूम मिला है हम लोगों को। ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं अब।